यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। किसके सर सजेगा मेयर पद का ताज कार्यक्रम को लेकर मैं हूँ विकास सिन्हा और मैं शालिनी। सच में किसके सर सजेगा मेयर का ताज और कौन करेगा जनता के दिलों पे राज, इस खास खबर को लेकर हम रोज हाजिर हो गए अपने जनता जनार्दन के समक्ष आ रहे हैं। तो मैं शालिनी आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो चलिए विकास जी फटाफट इस कार्यक्रम को आगे तक ले जाओ। बिल्कुल, और इस कार्यक्रम को आगे जाने से पहले थोड़ी सी बात करेंगे। आप जानते हैं शालिनी जी की बस अब बहुत कम समय रह गया है, 16 तारीख को लोग मतदान अपना करेंगे। अब जितना प्रत्याशी जितनी तेजी से चल रहे हैं मतदाता उतना ही चुप बैठ गए हैं, मतदाता के जुबान बंद हो गए हैं। क्योंकि एक एक घर में जहां वार्ड पार्षद प्रत्याशी दिन भर में चार बार नोक कर रहे हैं, वहीं उस घर में डिप्टी मेयर मेयर के भी दावेदार हर घर में जाकर नोक कर रहे हैं। अब वो असमंजस की स्थिति में कहे तो किसे कहे, अब स्थिति यह हो गई है कि मतदाता शांत प्रत्याशी थे, अब उस कहे तो मतदाता क्या कहे। लेकिन हम यह बात कहेंगे वार्ड पार्षद में तो ये बातें आ रही है कि मतदाता एकदम शांत हो गए किसी, चूंकि एकदम घर का चुनाव है। और आपको बता दें दर्शकों की लोकतंत्र का एक सबसे छोटा चुनाव इसे कहा जाता है, तो लोकतंत्र का सबसे छोटा चुनाव उतना ही टप भी है। जितना छोटा चुनाव उतना ही लोग कास्ट में बढ़ जाते हैं, कोई रिलेशन में बढ़ जाते हैं, कोई धर्म में बढ़ जाते हैं, कोई दोस्त यार में बढ़ जाते हैं। एक घर में अगर चार लोग हैं तो चारों अलग अलग वोट कास्ट करेंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे कि हाँ वो बगलगीर या मेरे भाई किसको वोट दिए, मेरी पत्नी किसको वोट दी, मेरे जो है घर वाले माँ पापा किसको वोट देने जा रहे हैं। ये बड़ा असमंजस स्थिति बनी है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, इसके पहले हम यही कहेंगे कि इसमें ये बात खास होगी कि समझदारी से काम ले और वफादारी से वोट करें। बिल्कुल, एक ये भी बात होती है वफादारी अपने वार्ड के प्रति, वार्ड के प्रति, अपने नगर निगम के प्रति और अपने काम के प्रति और आपके क्षेत्र को जो उजाले की ओर ले जाए उसके प्रति वफादारी इस काम के लिए हो कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे लिए पानी की समस्या है, नाले की समस्या है, नालियों के अभी जाइए तो यही समस्या चारों तरफ दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम वार्ड की बात कर रहे थे, वार्ड की समस्याओं पर बात कर रहे थे, हर क्षेत्र में नली गली सड़क पानी, क्या ये एक समस्या नहीं लगता है कि विकराल रूप ले लिया? और पानी एक ऐसा समस्या है, ये एक ऐसा शहर है शालिनी जी आपको बताते हैं, डाल्टनगंज खासकर, जहाँ सालों पर लोग खरीद कर अपनी प्यास बुझाते हैं, पानी खरीद कर प्यास बुझा सकते हैं। कितनी विडम्बना है इस शहर की जहाँ पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो पाता। बहुत बड़ी बात होती है। और पाँच साल की जहाँ तक बात करते हैं तो एक मेयर का यही काम नहीं होता है कि एक हम इलेक्शन के बाद हम उसी कार्य को करेंगे, नहीं, जनता को कैसे जागरूक करना है, जहाँ पानी की समस्या है उसे किस हिसाब से खर्च करना है। जो अभी नुक्कड़ की बात हम कल कह रहे थे कि चौराहे पे नुक्कड़ की बात हो रही है, जनता को जागृत करने की बात हो रही है, तो इसको हम अच्छे उद्देश्य में अगर हमेशा करें तो अच्छी बात। एक मेयर के लिए ये होता है कि वो पाँच साल में कैसे नगर निगम के कार्य को हम किए हैं जिससे हमारी जनता खुश हुई है, और जो कार्य अगर हम नहीं कर सकते उसमें थोड़ी हम विलम्ब है उस कार्य को, तो उस करने के लिए कौन ऐसा उपाय हम अपनाएं जिससे उस कार्य को भी हम कर पाए। बात ये देखिए कि तमाम प्रत्याशी, पिछला चुनाव की अगर हम बात करें, पिछले चुनाव में भी तमाम प्रत्याशियों ने जनता को आश्वासन दिया कि मैं पानी दूंगा, सड़क दूंगा, नली, लेकिन होता वही है शालिनी जी, ढाक के तीन पार फिर जनता ठगी जाती है। हर बार जनता ठगी जाती है और हर बार यह समस्या आता है, हर बार जनता को सिर्फ आश्वासन की गुटी पिलाई जाती है। आखिर जनता भरोसा करे तो कैसे करे, मजबूरी भी है, वोट देना उनका काम है, लेकिन जनता भरोसा आखिर कैसे भरोसा करे कि कौन सा प्रत्याशी सही में वफादार होगा अपने नगर निगम क्षेत्र के प्रति, अपने वार्ड के प्रति, ये बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न चिन्ह है, तो अगर ये हमारी जनता के लिए है तो इसको अगर उजाले की ओर ले जाना है तो हमारी जो मेयर है वही कर सकती है।
बिल्कुल सबसे बड़े जो मेयर पद पे जो प्रत्याशी हमारी है अगर जीत के आती है, जो हमारी महिलाओं की बात हो रही है, महिला तो बराबर आप होगी, महिला है नहीं ये बात नहीं होती उस जगह पे अगर कोई भी हो, क्योंकि ये जो सीट है महिलाओं के लिए है तो आएंगी तो वही चुनके, बहुत गर्व है। बार बार मैं कह रही हूँ कि अगर महिलाएं अगर समझदारी से घर को चला सकती है, घर गृहस्थी को देख सकती है, तो वो बाहर भी क्षेत्र में जाके वो उस झंडे को और तिरंगे को लहरा सकती है। ये तो और आगे की सोच है। जहाँ तक कह दे कूड़े की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है हर जगह पे, जैसे कि कम से कम 5-6 घर के बीच में एक कूड़े की मतलब व्यवस्था हो, जहाँ पे जाके गृहिणियां घर से बाहर निकल के कूड़ेदान को। हाँ, आज के डेट में भी देखिए आप, कूड़ेदान पिछले दिनों कूड़ेदान भी लाए गए, लेकिन उस कूड़ेदान का भी सही प्रयोग जनता यानी मतदाता भी नहीं कर पाते हैं, वहाँ के क्षेत्र के लोग नहीं करते हैं। तो ये जरूरी है कि एक वार्ड पार्षद हो, महापौर हो, महापौर हो, तमाम लोग वार्ड के क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र के लोगों के प्रति दौरा करें, जागरूक करें, यही अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। इसके लिए ये नहीं कि 5-7 तक अगर नहीं हो रही है तो हमें काम यही मिला है, हमें करना यही है कि हम अपनी जनता को कैसे जागरूक करें। आप ये तो देखिए कि देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया क्या, कि पूरे देश में लोगों ने झाड़ू उठा लिया, तो जरूरत है आपको जागरूक करने की। सिर्फ आप काम नहीं करिए बल्कि लोगों को जागरूक करना भी उनका एक दायित्व बनता है। चलिए थोड़ा सा आप इसमें दर्शकों बता दें कि थोड़ी सी आप बताइए कि आज के ये कौन कौन प्रत्याशी जो है मैदान में दिख रहे हैं, किन के किनसे बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना, कौन कौन से प्रत्याशी इस दौड़ में है लेकिन उनकी आवाजें आगे तक नहीं आ रही है, सिर्फ वो मौन साधे हुए हैं। ये तो अब कल ही हमने कहा था कि हम भी एक होता है कि एक खलबली सी मची हुई है कि कल क्या हो, और जैसा देख रहे आपने पूछ लिया तो कौन इस दौड़ में शामिल है, तो लगातार बातों की अगर हम काम की बात करें और मतदाता की बात करें और उनकी बातों की बात करें तो ये ऊपर नीचे का जो लगा हुआ है, बता दें कि अभी हम आपको बता दें विकास जी की झारखंड विकास मोर्चा से गीता देवी, साथ ही कांग्रेस से मीना सिंह और बीजेपी से अरुणा शंकर। चलिए बीजेपी का भी नाम जुड़ गया। बिल्कुल बीजेपी का ये राष्ट्रीय जो पार्टी हमने कहा था कि ये कल हम लोग की बात भी हो रही थी कि ये कब आगे आ जाए ये कोई नहीं जानता है, तो अरुणा अब लड़ाई में आ गई है और अरुणा शंकर जी एकदम खुल के सामने आ रही है, जो और सीधी सीधी मतलब कह सकते हैं कि गीता देवी आ रही है झारखण्ड विकास मोर्चा और मीना सिंह जो कांग्रेस, यानी दो राष्ट्रीय पार्टियां और एक रीजनल मतलब क्षेत्रीय पार्टी, जो अभी आज के सिनेरियो में ये है कि ये तीन लोग चुनावी टक्कर, ये यानी तीन लोगों का एकदम सीधी टक्कर, और ये तो होना ही था। बिल्कुल हमने बात कही कांग्रेस की बात करें और बीजेपी की बात करें तो ये तो होना ही है, तो दोनों जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने हैं, लेकिन एक झारखंड विकास मोर्चा से गीता देवी जी को भी देख लें वो भी इसमें शामिल है, उनका भी पृष्ठभूमि धीरे धीरे मतलब जो है वो कहीं जमीन नहीं छूट रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए मैं बार बार कहता हूँ पूनम सिंह जी, ये एक 56 साल का इतिहास है, उनके परिवारों का दबदबा रहा है नगर पालिका में, तो उन्हें कमजोर न समझा जाए, क्योंकि उनका भी जो वोट बैंक है वो बोल भले नहीं रहा है लेकिन वोट बैंक है। जैसे आप निर्मला तिवारी का लीजिए, निर्मला तिवारी शुरू में काफी 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 चर्चा में आई, लेकिन अब उनके वोटर शांत हो गए हैं, वो बोल नहीं रहे हैं लेकिन कब विस्फोट कर देंगे कहना बड़ी मुश्किल है, अब क्या हो जाए कोई नहीं कहना मुश्किल है। लेकिन ये पांच लोग के चेहरे अब धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगे हैं, लड़ाई में ये तीन लोग हैं जिनका अरुणा शंकर, गीता देवी व मीना सिंह, लेकिन ये दो चेहरे और भी हैं जो लगातार जो है कह सकते हैं कि ये कद्दावर यहाँ पर उभर कर सामने तो आ रहे हैं लेकिन इनके वोटर शांत है, बोल नहीं रहे, लेकिन इन्हें कमजोर मत समझिए, क्योंकि ये भी है कमजोर तो कोई नहीं है, अगर इस मैदान में जो खड़ा हुआ है वो कोई कमजोर नहीं है, कहीं से कमजोर नहीं है, और कल क्या हो ये तो अलग की बात है, लेकिन जब वो मैदान में आ रहे हैं तो समझ रहे हैं कि सर्वे सर्वा हम ही। बिल्कुल आज हम इनका नवाटोली क्षेत्र में गए तो वहाँ पर नीलू सानी की भी बहुत बड़ी अच्छी है, अगर हम बैरियार में बात करें तो वहाँ रानो देवी की भी बहुत अच्छी है जो बसपा से प्रत्याशी नीलू सानी राजद से है। अगर हम बात करें इनका अलग अलग क्षेत्रों में तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग के भी वोट बैंक है, ये कमजोर किसी भी मामले में हर प्रत्याशी इस दौर में है, और लगातार जनसंपर्क अभियान अभी 3 दिन है साल नहीं, देखिए आगे आगे होता है क्या, और कभी भी कीड़ा बदल सकती है और वोटों का रुझान किस ओर जाएगा कहना मुश्किल है। तो चलिए वोटों का रुझान बढ़ रहा है लेकिन अब जो है स्थिति थोड़ी थोड़ी अब खुलकर सामने आ रही है, हालांकि वोटर शांत है और मौन बने हुए हैं। मौन बनने की बात हम जहाँ तक कह दें, मौन तो बने हुए हैं कि क्या हो, लेकिन जो उम्मीद है
उम्मीद सबकी यही है कि जो कार्य क्षेत्र है हमारे उजाले की तरफ जाए और जो भी प्रत्याशी इस मैदान में आए हमारे कार्य को करें और उनके उनके हिसाब से जैसे कार्य होना चाहिए, जो हमारे नगर निगम का नगर निगम, और देखिए मेदिनी नगर नगर निगम, ये भी एक संयोग है। आप दर्शकों, मेदिनी नगर यानी राजा मेदनिया का नगर और अब नगर निगम में तब्दील हुआ है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चलिए ये लड़ाई का जंग है। 3 दिन 4 दिन अभी और बचे हैं और इसके बाद होगा वोटिंग का दिन। वोटिंग के दिन भी कुछ बदलाव आएंगे, वोटर किधर का रुझान किधर होगा, बहुत खलबली है, लोगों को जानने की बहुत इच्छा, लोग हर घर के दिल धड़क रहे हैं कि किसके सर सजेगा ये मेयर का ताज। जो जानता है हमें किसे देना है, फिर भी एक दूसरे से चर्चा की बात हो रही है कि आप किस पार्टी को जिताने में लगे हैं, आप किस पार्टी को जिताने में लगे हैं। चर्चा बन गया है और ये चर्चा 16 तक रही है, ये तो 20 तक रहेंगे कि कौन सा जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन जब सामने सब कुछ आएगा तो सब कुछ सामने नजर आएगा। तो चलिए हम इस तरह के कार्यक्रम कल फिर हम लेकर आएंगे किसके सर सजेगा तार इस कार्यक्रम को और इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए हम अपनी जनता से इजाजत लेंगे, इजाजत जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे। तो ढेर सारी खबरों के साथ और आंखों देखी कानों सुनी बातों के साथ और खबर की तह तक की बात हम कहें तो वो लेके हम ठीक समय पे सिटी न्यूज पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।